आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। परवाह के साथ हंसी मजाक और ढेर सारी मस्ती, यही दोस्ती के रिश्ते की जान होती है। मगर आपने समाज में कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जिन्हें दूसरों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं होता। यहाँ तक कि वो दूसरों से बात करने में भी कतराते हैं, वो बस अपने ही धुन में रहते हैं। फ्रेंड्स, ये लोग ऐसा जानबूझकर नहीं करते। ऐसा नहीं है कि ये लोग किसी से दोस्ती नहीं करना चाहते या फिर उनका मन औरों की तरह मस्ती करने का नहीं होता। इनके मन में भी वो सारी फीलिंग्स आती है जो किसी आम इंसान के मन में आती हैं। ये ऐसा एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण करते हैं। इस बीमारी का नाम है एस्पर्जर सिंड्रोम। ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। ऐसे बच्चों को बोलने या लिखने में दिक्कत हो सकती है, पर इनका IQ लेवल एकदम नॉर्मल होता है। मगर हाँ, अगर बचपन में ही इस बीमारी का इलाज नहीं करवाया गया तो ये बीमारी एडल्ट होने तक रहती है, जिसके कारण पेशेंट को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लाइक वो इंट्रोवर्ट हो सकता है, अपनी फीलिंग किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इंटेलिजेंट होते हुए भी वो उतनी सक्सेस अचीव नहीं कर पाते जितना कि उन्हें करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पर इसके एग्जैक्ट कारणों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वैसे डॉक्टर्स इसे जेनेटिकल मानते हैं। इस बीमारी के लक्षण बचपन में ही दिखने लगते हैं। लाइक अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे एस्पर्जर सिंड्रोम के बच्चे किसी से भी नज़र मिलाकर बात करने में घबराते हैं। ऐसे बच्चे सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, लाइक क्लास में ग्रुप डिस्कशन करना, दोस्तों के साथ खेलना या फिर कोई और एक्टिविटीज़। ये बस अपने ही धुन में रहते हैं। सामने वाले से क्या बात करनी है, कैसे करनी है, किस बात का रिप्लाई क्या देना है, इन्हें कुछ भी नहीं पता होता। ये बच्चे लोगों की बॉडी लैंग्वेज या फिर उनकी फेसियल एक्सप्रेशन को नहीं समझ पाते। जैसे कि कोई गुस्से में है या खुश है, वो ये समझ ही नहीं पाते। ऐसे बच्चों का अपना खुद का बॉडी लैंग्वेज या फिर इनके बोलने का तरीका बिल्कुल रोबोटिक होता है। यहाँ तक कि इन्हें चेंज बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हाँ, पेशेंट की लाइफ थोड़ी ईजी बनाने में उसका परिवार ही उसकी मदद कर सकता है। परिवार का माहौल काफ़ी हद तक इस बीमारी को कंट्रोल कर सकता है। लाइक अगर परिवार का माहौल निगेटिव होगा तो ये बीमारी और भी बढ़ सकती है, जो आगे चलकर एंजाइटी या फिर डिप्रेशन में भी बदल सकती है। पर एक बात है, एस्पर्जर सिंड्रोम वाले बच्चे अक्सर लाइफ में बहुत अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी जुनूनी होते हैं। फ्रेंड्स, एस्पर्जर सिंड्रोम मेरे लिए भी बिल्कुल नया था। इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा इस बीमारी के बारे में अपने YouTube फ्रेंड से शेयर करना चाहिए। अगर आपके मन में भी ऐसी ही फीलिंग आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।